करना है। अरे पापा वो ना नंबर दे, हम कर देते हैं। पापा को मैं एडल्ट हूँ, मैं अपनी परफॉर्मेंस खुद देख सकती हूँ। कर सकती होगी पर हमें तेरे बाप से बात करनी है। पर मेरे डैड यूएस में, आप प्लीज उन्हें परेशान मत कीजिए। फिर साथ चलो। टाइम ओ हरपाल, गलती लगी है तुझे। गलती कैसी गलती? तेरे पापा दिलप्रीत बराड़ ने खुद फोन करके लिखवाई थी शिकायत। बेटे हो ना उनके, हैं? आपको भी नहीं पता ये बात? हाँ जी पता है, पर कसूर इस कुड़ी का नहीं है, कोई और है जो गेम खेल रहा सारी समझाकर हरपाल सिंह। पर हमने खुद रंगे हाथों पकड़ा है इस लड़की को। अरे हाँ जी वही तो गेम है जनाब, पर बात तो सुन मेरी, ये लड़की हमारी बच्ची है, मेरी भतीजी। अब भतीजी बोला, इसने कुछ नहीं किया, इसको छोड़ दे, अपने लोगों को बोल के प्लीज। मजाक बना रखा है ये बरार परिवार ने, हैं? बाप कंप्लेन लिखाता है चोर पकड़ लो, और बेटा आके सिफारिश करता है कि उसको छोड़ दो। अरे नौकर लगे क्या तुम्हारे जो छुपा छुपाई खेल रहे हो हमारे साथ? ये कैसे बात कर रहा तू? अरे तू कैसे बात कर रहा है राने? बोला उसने सब बात, यहाँ सब बात हो गई, उसने भीड़ ने समझाया तो गया। वो बोला कचहरी जाके मैं जमानत करा के आता हूँ। तुम्हें यहाँ से निकलवा के रहूँ हरपाल, गलती लगी है तुझे? गलती कैसी लगी है? अरे तेरे पापा दिलप्रीत सिंह बराड़ ने खुद फोन करके लिखवाई थी शिकायत। बेटे हो ना उनके, हैं? तुमको भी नहीं पता ये बात? हाँ जी पता है, पर कसूर इस कुड़ी का नहीं है, कोई और गेम खेल रहा है ये सारी चीजों का, समझा कर हरपाल सिंह। पर हमने खुद रंगे हाथों पकड़ा इस लड़की को। हाँ जी वही तो गेम है जनाब, पर हरपाल तू बात सुन मेरी। ये लड़की हमारी बच्ची, मेरी भतीजी है। इसने कुछ नहीं किया है, इसको छोड़ दो, अपने लोगों को बोल के प्लीज। मजाक बना रखा है ये बराड़ परिवार ने, हैं? बाप कंप्लेन दिखाता है कि चोर को पकड़। वो यूएस है, उन्हें परेशान मत कीजिए। मैंने कहा ना नंबर दो। ऐसे रखना।